जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, भारत को MTCR की सदस्यता मिल चुकी है। MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। MTCR के एक सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत अपने मिराज 2000 विमानों को सर्वश्रेष्ठ इन द क्लास लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस करने के लिए बहुत उत्सुक है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 का पीछा किया और 27 फरवरी को डॉग फाइट के दौरान अपने R-73 और R-77 मिसाइलों के साथ एक को गोली मार दी। जब से बालाकोट आतंकी शिविरों पर हमला हुआ है, जल्द ही आवश्यकता थी लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ हमारे और अधिक फाइटर जेट्स को लैस किया जाए। यहां तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कहा, पूरा देश इस समय राफेल की आवश्यकता महसूस कर रहा है। अगर हमारी सूची में राफेल होते तो दोनों देशों के बीच शत्रुता को समाप्त करने के तुरंत बाद आयोजित एक कार्यक्रम में परिणाम अलग होता। अपने शत्रुतापूर्ण पश्चिमी पड़ोसी पर पूर्ण हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना के पास अपने अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों में ब्रह्मोस NG, एस्ट्रा इजरायली डर्बी, उल्का और SCALP मिसाइलों का एक संयोजन होने जा रहा है। भारत ने उल्का मिसाइलों के निर्माण के लिए और उन्हें अधिक ताकतवर बनाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया तेजस LCAS से लैस करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन अब बड़े पैमाने पर अपग्रेड हो रहे हैं। 36 राफेल्स भारत अब तक खरीद रहा है, उल्का और स्काल्प मिसाइलों से लैस होगा। इस प्रकार पश्चिम और उत्तर में अपने 2 शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों पर बढ़त की परिकल्पना करता है। जैसा कि चीन MTCR का सदस्य नहीं है, उसके पास अपने शस्त्रागृह में कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो उल्का पिंडों से मेल खा सके।